पूरा मामला। मेरे पास एक लेडीज आई थी, उन्होंने बताया कि मई से जून तक उनको एक फेसबुक पे उनका एक से पहचान हुई, और उन्होंने बताया कि मैं डॉक्टर हूँ और इटालिया में रहता हूँ। तो ऐसे करके उनसे फेसबुक रिक्वेस्ट किया, उसके बाद उसने फ्रेंडशिप बना लिया, और उस धीरे धीरे उनका जो फ्रेंडशिप बढ़ाई, और उसको बोला कि मैंने आपको एक गिफ्ट भेजा है, 25 डॉलर्स का। तो वो बोली कि मुझे नहीं चाहिए। तो उसने बोला कि मैंने ऑलरेडी फेसबुक पे भेज दिया है, आपको कल परसों मिल जाएंगे 8 दिन में ऐसे। तो आठ दिन के बाद एक लेडीज ने उसको फोन किया और बताया कि आपका ये गिफ्ट दिल्ली में आया है, दिल्ली में आया है, और वो वहाँ पे है, तो उसको कस्टम ड्यूटी है, वो आपको भरना पड़ेगा। ऐसे करके उसके पास से उन्होंने पैसे, कस्टम ड्यूटी है, जीएसटी है, ऐसे करके उनसे उन्होंने 13,59,000 का फ्रॉड किया था। इसके बाद उस लेडीज को पता चला कि ये चीटिंग है, इसलिए हमारे पास आया था। तो एफआईआर हमने दर्ज किया था, और हम टेक्निकल से जो एक्यूज है, आरोपी है, उनका हम ढूंढ रहे थे और उनको ढूंढा। तो ये अभी हमने उसमें 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, दिल्ली दिल्ली में 2 और नोएडा में 3। उसमें ये उनका मास्टरमाइंड ये था कि वो खुद सब ऐसे ही अपना प्रोफाइल लगा के लेडीज, जो और लेडीज है, उनको लूटते थे। कितने लोगों उनके पास से 25 मोबाइल से एक टैब है, और 4 लैपटॉप से, और कैश कितने हैं मैम? एक बार एक टैब, 4 लैपटॉप, और डेबिट कार्ड, 12 चेकबुक्स, ऐसे जो मटेरियल्स है बैंक रिलेटेड और चीटिंग करने का, वो सब बरामद किया हुआ है। उसमें 2